कासगंज जनपद के सौरव कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला प्रकाश में आया है। भाई मृतका के मायके पक्ष के परिजनों ने ससुरालीजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज न देने पर मृतका की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही इलाका पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हमारा नाम ज्ञान सिंह है। ज्ञान सिंह, आपके सिस्टर के साथ हुआ क्या हुआ है? हमारी बहन के साथ दहेज मांगते थे ये। हमारी बहन का नाम चंदना है, पति का नाम उनकी का जसवीर सिंह है, गांव भिरोची है और थाना सोरो है। थाना सोरों में 15 तारीख को हमने कंप्लेंट लिखाई थी संजना संग ही। उसके बाद में ये 15 तारीख को अपने गांव ले गए थे बुला के। 5 आदमी आए थे, शान करे थे उन्होंने कि हमारी जिम्मेवारी भेज दो। फिर 17 तारीख को अपने पता नहीं कैसे उन्होंने मार दिया। आपको सूचना कब मिली? हमारे लिए सूचना 16 तारीख को मिली थी साहब। उसके बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। हम सफदरगंज गए थे तो वहाँ भी हमें बताया था सफदरगंज है। सफदरगंज पहुँचे थे तो वहाँ पे हमने कई हमें दिखा दो तो वहाँ 4 बजे का टाइम दिया। वहाँ से हमें गुमराह करके वहाँ से भी चले आए। आज 17 तारीख से आज 22 तारीख हो रही है। 30 तारीख तो अब तक आपको पता ही नहीं लगे कुछ? हमें पता ही नहीं मिला, गुमराह करते रहे कि आज अलीगढ़ हैं, कि आज हम दिल्ली हैं, कि आज हम कासगंज हैं, कि अपने गाँव में, हमें पता ही नहीं चला उनका। आज फिर आपको सब कहाँ मिला है ये सब? हमें जो थाने में हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने बताया था कि सदर वहाँ पहुँचे सफदरगंज गए थे तो वहाँ से वो निकाल लाए, 11 बजे निकाल लाए। हम वहाँ सुबह के 4 बजे से पड़े हैं वहाँ पे और शाम को निकाल के चले आए वहाँ से। हमें पता लगा, डॉक्टर ने बताया कि वो 11 बजे निकाल ले गए और उन्होंने कही आप जाओ कंप्लेंट करो उन पर, और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पर तो उन्होंने मारी है वो लड़की। हमने जाके थाने में ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए साहब।